The debate over the future of the India alliance continues after Nitish Kumar's exit. I'm Barkhadat, you're with the Mojo Story. Details are now emerging as to what became the tipping point for Nitish Kumar. Sources say that Mr. Kumar had made up his mind to sever ties on the 13th January meeting itself, a meeting that was held virtually and a meeting in which Nitish Kumar, reportedly furious with Rahul Gandhi, walked out 10 minutes earlier. JDU party leaders are now suggesting that it's the Congress that is entirely to blame for Mr. Kumar's decision, alleging that the Congress wanted to grab the Prime Minister's post. Remember, the JDU believed that Nitish Kumar should have been made the convener of the India alliance and also argued that by the time that post was offered, it was simply too late and entirely meaningless. To talk about what actually happened, why did Nitish Kumar palto sides again? Will he this time stick with the BJP? And also to talk about the impact on national elections and Bihar elections, let's introduce our newsmaker on the program today. KC Tyagi, veteran politician, senior leader of the JDU, is joining us. Namaskar, KC Tyagi ji. Aur kuch ishare mein to aapse pata lag gaya tha. Last time when we were talking, aap kafi naraaz the. Aur aapne क्लियर भी किया था कि जिस तरह से कांग्रेस ने डिले की उससे आपके लीडर भी नाराज थे. पूछना चाहूंगी, ये फैसला कब किया? अब खबर निकल के आ रही है दैट ऑन द 13th ऑफ जनवरी इटसेल्फ, जब ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी इंडिया ब्लॉक की, तब ये फैसला उसी मीटिंग के बाद लिया गया था. व्हाट एक्चुअली हैपेंड? त्यागी जी, आपसे शुरू करती हूँ. तो कोई साइड चेंज करने का उस समय नहीं था, वो हमारी चिंताएं थी और हमारी नहीं थी. वो टीएमसी की चिंता थी, आम आदमी पार्टी की चिंता थी, एसपी की चिंता थी, शरद पवार की, शिवसेना की चिंता थी और हमारी चिंता थी. हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और जनसंघ के साथ भी काम कर चुके हैं. ये अब वो अटल अडवाणी एरा की पार्टी नहीं है. कोई बूथ नहीं है जिस बूथ पर इनका कार्यकर्ता ना हो. पन्ना प्रमुख इन लोगों ने बनाए हुए हैं. अभी अयोध्या टेंपल को लेकर के कोई घर नहीं बचा था, इंक्लूडिंग माय हाउस आल्सो, जहां इन्होंने चावल डिस्ट्रीब्यूट ना किए हैं. तो मैं कहना ही चाहता हूं कि चुनौती हम लोगों के सामने भाजपा से लड़ने के लिए बहुत बड़ी थी और उसके मुकाबले में हमारी तैयारियां जीरो के बराबर थी. एक तो बहुत मैराथन एफर्ट के बाद ये गठबंधन बना. 27 सितंबर 2022 ये एक टर्निंग पॉइंट है जब तीसरा मोर्चा बन रहा है, लेड बाई के चंद्रशेखर राव, ममता बनर्जी, केजरीवाल और अखिलेश यादव. नीतीश कुमार जब बाहर आते हैं तो कुछ लेने के लिए नहीं आते. वी वर वेरी कंफर्टेबल इन एनडीए. 16 एमपी हमारे थे, 2014 में हमारे 2 एमपी थे. हम लोगों ने कहा बीजेपी से कि हमारी संख्या बढ़ाइए, उन्होंने 5 सिटिंग एमपीज के टिकट काट करके हमको दिए. एक दो आइडियोलॉजिकल इश्यूज थे जिस पर हम डिसएग्री करते थे, जैसा आर्टिकल 370 था, हमने वॉकआउट कर दिया. यूसीसी है, हम चाहते हैं ब्रॉड बेस डिस्कशन होना चाहिए. राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला था, किसी तरह की कन्फ्रंटेशन के बजाय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना चाहिए. ये इश्यूज थे, आपकी जानकारी में है. लेकिन जिस दिन लौटे हैं हम लोग हिसार से देवीलाल जयंती से, मैं भी था, ये तेजस्वी यादव जी थे और नीतीश कुमार जी थे. वहां उन्होंने प्रकाश सिंह बादल और ओम प्रकाश चौटाला के सामने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि गैर कांग्रेसवाद छोड़ दीजिए अगर बीजेपी से लड़ना है, और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा. आज जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है जो इस पार्टी को होपफुली डुबोई देंगे, जयराम रमेश जी जैसे, कह रहे कि नीतीश कुमार के इंटेंशंस ठीक नहीं थे. तो नीतीश कुमार के इंटेंशंस ठीक नहीं थे तो क्यों कांग्रेस पार्टी की इन्होंने भूमिका बढ़ाई? लौट के आने के बाद क्यों लालू यादव जी के साथ वो सोनिया जी से मिलने गए, राहुल जी से मिलने गए, उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप लीड लीजिए. लीड हमने नहीं लेनी है, उनको लेनी है, उनकी बड़ी पार्टी है. हालांकि कितनी बड़ी पार्टी है बरखा जी, 12 राज्यों में है? जी इनकी जीरो 12 में, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, नागालैंड,
राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड, जीरो। और इनकी स्ट्रेंथ कहाँ है, कितनी पावरफुल राष्ट्रीय पार्टी है? तीन राज्य अगर छोड़ दो तो केरला में 15 हैं, पंजाब में 8 हैं, तमिलनाडु में 8 हैं, यानी कि 31 एमपी अकेले इन तीन राज्यों से आते हैं। इतनी बड़ी नेशनल पार्टी है। एक बार तो अन्ना डीएमके के इनके एमपी लगभग बराबर हो गए थे पार्लियामेंट में। दो बार से नेता विरोधी दल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी मजबूत होती तो उसको एक बेस मिलता भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले का, और वो हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी ने खत्म कर दी। लेकिन अब हमारा जी मेरा एक सवाल है, आप कांग्रेस के बारे में जो कह रहे हैं वैलिड पॉइंट्स, लेकिन नीतीश जी की अपनी एक स्टेटमेंट थी, आज उनको याद दिलाई जा रही है वो स्टेटमेंट, मर जाऊंगा लेकिन दोबारा बीजेपी के साथ नहीं मेल करूंगा, राइट, आई एम समराइजिंग। तो अब उनके बारे में बार बार पलटू कुमार कह के उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जो आरजेडी के लीडर्स हैं वो कह रहे हैं, जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं, वो ये याद दिला रहे हैं कि मर जाऊंगा का जो कॉमेंट था, एक वो। दूसरे ये जो ओथ टेकिंग सेरेमनी है, जो उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है बीजेपी के, उन्होंने पगड़ी पहनी और कहा कि मैं इस पगड़ी को नहीं उतारूंगा जब तक मैं नीतीश कुमार जी को रिप्लेस ना कर दूं एस सी एम। आज वो उन्हीं के साथ ओथ ले रहे हैं जो सम्राट चौधरी हैं। तो आप ये जो दो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एक नीतीश जी का बयान मर जाऊंगा लेकिन मैं बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा दोबारा, और सम्राट जी की पगड़ी, वही पगड़ी पहन के वो ओथ ले रहे हैं, तो ये आप ऑडियंस को कैसे समझाएंगे ये कॉन्ट्रडिक्शन? बहुत अच्छा सवाल आपका बरखा जी है। हम जनसंघ के साथ भी काम कर चुके हैं जी, द सोशलिस्ट, और 67 की असेंबली में, मैं पीछे ले जाऊं आपको, तो कम्युनिस्ट पार्टी और जनसंघ के मंत्रिमंडल दोनों एक साथ थे। जनता पार्टी जब 77 में बनी है तो जनसंघ मर्ज हो गई थी सोशलिस्ट और लोकदल के साथ, जनता पार्टी, हमने उनके साथ भी काम किया है। फिर हम लोग फिर अलग हो गए दोहरी सदस्यता के सवालों पे, और कई सवाल थे। 89 में जनता दल बना, उसमें सारे सोशलिस्ट शामिल थे, एक तरफ लेफ्ट था एक तरफ बीजेपी थी। तो एक तो किसी इनके साथ काम करने का हमारा पुराना अनुभव है, और मैंने बहुत नम्रता के साथ आपसे कहा कुछ सवालों पर हम इनसे डिसएग्री करते हैं। और जब बंटवारा होता है तो कटु भाषाएं बोली जाती हैं। बरखा जी, आप लोग तो बहुत सिविल सोसाइटी के नम्र लोग हो, हम लोगों के यहाँ जब बंटवारे होते हैं तो घरों के बंटवारे से बुरे होते हैं पार्टियों के, और हार्ड वर्ड यूज किए जाते हैं, जो नीतीश जी ने भी एट वन स्टेज ऑफ टाइम किए थे। लेकिन नीतीश जी को पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाली बीजेपी थी, दोबारा बीजेपी की मदद से बने। फिर वो इतने पावरफुल हो गए कि 243 के हाउस में 2009 में उनके 118 एमएलए आए, यानी कि 4 एमएलए कम थे बहुमत से, लेकिन हम लोगों ने तब भी बीजेपी के साथ सरकार चलाई। तो हमारे कड़वे मीठे अनुभव रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे अनुभव खराब ही रहे। एक तो वी आर द प्रोडक्ट ऑफ नॉन कांग्रेस मूवमेंट, चाहे लोहिया हो, चाहे जेपी हो, नरेंद्र देव हो, चरण सिंह हो, कर्पूरी ठाकुर हो, एंड नाउ नीतीश कुमार। तो हम कभी और जो स्पेस है, एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लोकदल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, जेडीयू, आरजेडी, डीएमके भी, ममता, शरद पवार की पार्टी, हम लोगों ने जो अपना स्थान बनाया वो कांग्रेस से लड़कर कर छीन करके बनाया। एक मेरा आरोप और भी है कि कांग्रेस पार्टी उस स्थान को अब छीनना चाहती है हमसे। क्या छीनना चाहती है? आपने आपने कहा है कि कांग्रेस को इंटरेस्ट था कि प्रधानमंत्री का जो पोस्ट का कंटेंडर था, जिसके लिए आपको लगा कि नीतीश कुमार वाज बेटर सूटेड, यू सेड कांग्रेस वांटेड टू ग्रैब द प्राइम मिनिस्टर्स कंटेंडरशिप, इसके बारे में जरा खुल के बताइए। बरखा जी, मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हो गया था कि प्रधानमंत्री के लिए किसी के चेहरे को आगे रख करके काम नहीं किया जाएगा। इस पर कांग्रेस पार्टी के भी साइन है, मेरी पार्टी के, हम सब अपनी अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में अच्छी अच्छी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कोई चेहरा नहीं होगा।
चार महीने के बाद फिर दिल्ली में मीटिंग होती है अशोका होटल में, उसमें सारे नेता इकट्ठे होते हैं। लेकिन पहली शाम को एक घटनाक्रम है जिसमें आप भी शामिल रही होंगी, वो घटनाक्रम है जब वो मिलके आते हैं केजरीवाल से, ममता दीदी, और आकर के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दैट वी हैव डिसाइडेड कि कोई भी फेस हम नहीं रखेंगे, यूनाइटेड चेहरा होगा, और 272 का जब मैजिक नंबर आ जाएगा उसके बाद तय करेंगे। होपफुली आई एम करेक्ट। यस। अगले दिन जब मीटिंग चलती है तो मीटिंग चलते चलते ऑल ऑफ ए सडन ममता दीदी, वही ममता दीदी जो 24 घंटे पहले कहती है कोई चेहरा नहीं होंगी, वो नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करते हुए, रिडिकूल करते हुए वो कहती है कि यस हेयर इज ए मैन मल्लिकार्जुन खड़गे, हम भी उनकी इज्जत करते हैं, अच्छे बढ़िया नेता हैं, उनसे कोई विवाद नहीं, उनके नाम पर भी उनका नाम लेती है, विच इज अगेंस्ट द एक्सेप्टेड नॉर्म्स ऑफ द मीटिंग। उसके बाद केजरीवाल जी खड़े होते हैं, जो खड़े होकर कहते हैं कि हम इसको सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज दिस, इज दिस नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इज दिस नॉट द पार्ट ऑफ थर्ड रेट काइंड ऑफ इंट्रिग्स एंड मैनिपुलेशन। ये किसकी इंट्रीग और मैनिपुलेशन है? आपने ममता और केजरीवाल का नाम दिया, लेकिन आपने दोष तो कांग्रेस को दिया है। यू हैव सेड कांग्रेस वांटेड दैट पोस्ट फॉर इटसेल्फ, सो देन किसकी मैनिपुलेशन है? रात भर लोगों से संपर्क किया गया और इसको मैनिपुलेट करने के लिए विभिन्न घटक दलों से बातचीत की गई और तब ये नाम रखा। लेकिन थैंक्स टू शरद पवार, थैंक्स टू करुणानिधि, स्टालिन, थैंक्स टू अखिलेश यादव, किसी ने भी इस मूव को सपोर्ट नहीं किया। और जब नहीं किया तो ये खड़गे जी ने खुद ही कहा कि ठीक है छोड़िए भाई, जाने दीजिए, मुझको नहीं होना है। तो इस तरह की जब आप जो हैं विपक्ष की एकता कर रहे हैं भाजपा से मुकाबला करने के लिए, या कांग्रेस पार्टी का, उस कांग्रेस पार्टी का जिसके हरियाणा 10 में से 10 बीजेपी, राजस्थान 25 में से 25 बीजेपी, सहयोगी पार्टी को एक सीट देनी मंजूर नहीं लेकिन बीजेपी को सारी की सारी सीट देनी मंजूर है। मध्य प्रदेश 1 सब बीजेपी, छत्तीसगढ़ 2 सब बीजेपी, कर्नाटका 2 सब बीजेपी, अब इधर आ जाइए उत्तर प्रदेश 1 सीट 20 चाहिए, बिहार सीट 1 चाहिए वहां पे 10, ममता दीदी के यहाँ सीट 2 चाहिए 8, अपना महाराष्ट्र सीट 1 चाहिए 24। तो ये तो भाई जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट है उनके, ऐसी डिस्प्रोपोर्शनेट डिमांड हो गई है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने कहा थर्ड रेट इंट्रीग एंड मैनिपुलेशन, मुंबई में तय हो चुका था कि कोई फेस नहीं रहेगा, आफ्टर पोल्स इस पे डिसीजन होगा। ममता और केजरीवाल ने प्रपोज किया, खड़गे जी ने खुद ही मना कर दिया, बाकी रीजनल लीडर्स ने उस सिचुएशन संभाल ली। लेकिन अब ये डिटेल्स निकल के आ रही हैं, आपने भी कहीं कहीं शेयर की हैं कुछ, थोड़ा जरा अगर विस्तार से बताएं कि जो 13 जनवरी की मीटिंग होती है, जो वर्चुअल मीटिंग है, उसमें नीतीश कुमार की बात नाराज होकर जल्दी छोड़ के चले जाते हैं मीटिंग, राहुल गांधी से नाराज रहते हैं, कन्वीनर की बात होती है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, आप ये पहले कह चुके हैं, और राहुल गांधी वहां कहते हैं हम कंसल्ट करके आपको वापस बताएंगे कि आप कन्वीनर बन सकते हैं नहीं, या ये किस हद तक सच है और एग्जैक्टली क्या हुआ, बताइए। उस आदमी के लिए क्या हो सकता है जो एक दिन में दो दो स्टेट गया हो, पहले वो लखनऊ गए कन्विंस करने के लिए अखिलेश यादव की कि कांग्रेस पार्टी के बगैर एकता नहीं हो सकती है, 2 घंटे बाद ही जहाज लेकर के गए ममता दीदी के पास कि अधीर रंजन चौधरी के व्यवहार स्वभाव पर मत जाइए, अधीर रंजन क्या एकता हो सकती है बरखा जी? अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और उसी के साथ एकता कर रहे हैं, एक तो इतने कॉन्ट्रडिक्शन हैं। थैंक्स टू नीतीश कुमार, उसने काफी रिजोल्व किए, आर्टिकल 356 के सोशलिस्ट खिलाफ है, एसआर बुमई कांड के बाद हम लोग इस राय के हैं चाहे सरकार दिल्ली में किसी की हो, आर्टिकल 356 का यूज नहीं होना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी देयर लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा डिमांड कर रहे हैं कि ममता की सरकार बर्खास्त करो, ये कौन सी अपोजिशन यूनिटी है?
पर ये ऐसी तो कुछ दिन कन्वीनर को लेके एग्जैक्टली क्या हुआ जब फाइनली बात छिड़ी नीतीश जी को कन्वीनर बनाने के लिए, और राहुल गांधी ने कहा कि रिपोर्टेडली कि हम आपको वील कम बैक ऑन दिस, आपने कहा ये बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन लगी उनको, इसके बारे में जरा विस्तार से बताइए। नीतीश कुमार अपोजिशन यूनिटी के कन्वीनर थे, ही वॉज द जी प्रोड्यूसर ऑफ द अपोजिशन यूनिटी। जब हम लोगों ने पटना में राहुल गांधी के बराबर में केजरीवाल को बैठाया, क्या ये बरखा जी आश्चर्यजनक नहीं था? केजरीवाल का राजीव गांधी के बराबर, राहुल गांधी के बराबर में बैठना आश्चर्य नहीं है? ममता दीदी का अधीर रंजन चौधरी के बराबर में बैठना आश्चर्यजनक नहीं है? और कैसी कैसी तिकड़ में बीच में आ रहा हूं। आप जो हैं समाजवादी पार्टी फाउंडर है इंडिया गठबंधन की, आप बात कर रहे हैं मायावती जी से। मैं बात करने के खिलाफ नहीं, लेकिन अखिलेश यादव को कॉन्फिडेंस में लीजिए। तो इतनी इंट्रिंग और मैनिपुलेशन हुई। अब नीतीश कुमार जैसा आदमी जिस पर ना तो एक करप्शन का केस है, ना डायनेस्टिक सक्सेशन का कोई मामला है, ना कोई और खराब चीज है। गुड गवर्नेंस को लेके 3 बार उनको बेस्ट चीफ मिनिस्टर का खिताब मिला है। आप कह रहे जरा सलाह मशवरा कर लें, ममता दीदी हैं और लोग हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा। अरे भाई, जब हमने आपके साथ इन लोगों को बैठाया था तो आपसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं था। और ये होमवर्क करना है तो आप पर्दे के पीछे कीजिए। एक एक जो वेटरन सोशलिस्ट लीडर है नीतीश कुमार, जिसके 72-73 सालों में से 2-3 साल तो जेल में गुजरे हैं, आप उसको ह्यूमिलेट कर रहे हो पब्लिकली कि हम आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बनाने पे लगे हुए हैं। अनफ वाज अनफ। बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो टर्निंग पॉइंट था और हम इस राय के हो गए कि इनकी नियत और मंशा ठीक नहीं है। जितना जल्दी इनसे छुटकारा मिले उतना अच्छा। इससे राहुल गांधी के साथ क्या बात हुई, इसमें आप राहुल गांधी को किस हद तक रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं? मैंने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आदरणीय खड़गे जी को और राहुल जी को एड्रेस किया कि प्लीज इंटरवीन कीजिए, यात्रा से ज्यादा जरूरी अपोजिशन यूनिटी की सीटों की तालमेल और इनमें जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने का है। मेरे बयान में आपको दिखा दूँ, तारीख भी दिखा दूंगा, लेकिन वो अपनी यात्रा में लगे हुए थे। अब यात्रा, और राहुल गांधी जी ने कैटेगरी करी कहा है कि ममता जी से और लोगों से बातचीत करके देन वी लेट यू नो। ये ह्यूमिलेटिंग। कोई भी सेल्फ रेस्पेक्टिंग लीडर और 50-55 ईयर्स एक्सपीरियंस इस तरह के माहौल में नहीं रह सकता। माफ करना, ये ह्यूमिलेटिंग। So you confirm that जब कन्वीनर की बात उठी नीतीश जी को बनाने के लिए, तो राहुल गांधी ने उनको कहा इसी मीटिंग में that I will get back to you after consultations, ये बात आप कन्फर्म कर रहे हैं? दूसरा, नीतीश कुमार जी हिंदी में बोलते हैं, ये कोई पाप तो नहीं है? स्टालिन अंग्रेजी में बोलते हैं, वो कोई पाप नहीं है? नीतीश कुमार जी के बोलते बोलते ऑल ऑफ ए सडन डीएमके के एमपी कहते हैं कि ये कोई बात है कि अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते, या इसका ट्रांसलेशन करो। तो ट्रांसलेटर तो सब जगह पार्लियामेंट में हम रहे हैं, वहां लगे रहते हैं, वहां अरेंजमेंट करते हैं आप। और वो एक आइडियोलॉजिकल इश्यूज है सोशलिस्टों के लिए। महात्मा गांधी का आज शहीद दिवस है, आज के दिन उनकी कुर्बानी हुई थी। उन्होंने कहा कि अगर मैं एक दिन के लिए मुझको तानाशाह बनाओ तो मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाऊंगा। चलो वो अलग डिबेट है, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें वहां पर होने लगी जो बहुत सफोकेटिंग हो गया। वहां पर डीएमके के लीडर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर वो पहले भी अटैक कर चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार जी करुणानिधि के अंतिम संस्कार में गए, उससे पहले भी हम गए, एंड वी हैड वेरी हाई रेस्पेक्ट फॉर करुणानिधि जी, जो सोशल जस्टिस का साउथ इंडिया का सबसे बड़ा लीडर है पेरियार के बाद। इवन टुडे वी पे रेस्पेक्ट टू हिम। लेकिन उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से बिलिटिल कर रहे नीतीश कुमार जी को, माफ करना, ये बहुत सफोकेटिंग था हमारे लिए। अब आपने एक बीच में कहा जयराम रमेश विल सिंक कांग्रेस, ये आपने क्यों कहा? भाई वही रोज बयान दे रहे, अभी भी बयान दे रहे। अगर हम नाराज हैं, हमको समझाइए, हमसे बातचीत कीजिए, वार्ता का रास्ता मत कीजिए। अब इतने बड़े, अब मैं तो 1 लाख गाली कांग्रेस पार्टी को दे सकता हूँ। हम तो सोशलिस्ट टाइम तो मोतीलाल नेहरू से शुरू करते थे। राहुल गांधी क्या बात है, हमने तो, हमारे तो पुरखों ने, लोहिया वगैरह ने, गांधी को के बाद छोड़ दो आप, पंडित नेहरू को क्या नहीं कहा, इंदिरा गांधी जिस दिन बनी है उस दिन क्या नहीं कहा, लेकिन हम उस डिबेट का हिस्सा नहीं होना चाहते। जयराम रमेश को मैं देख रहा हूँ 4 दिन से,
पलटू राम आया, राम गया राम। तो आप भी पलटू राम, कोई पार्टी ऐसी है जिसके साथ आपने डीएमके है आपने, मैं उस समय था देवेगौड़ा जी के साथ जब आई है कमीशन की रिपोर्ट जिसमें डीएमके के मिनिस्टर्स के नाम का हल्का सा रेफरेंस है, आपने कहा पार्टी सरकार जब चलेगी जब डीएमके के लोगों के इस्तीफे होंगे, दे आर द किलर ऑफ राहुल गांधी, राजीव गांधी। इतने कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें। अब देखिए ये कहते हैं चुनाव के बीचों बीच कि मंदिर का दरवाजा हमें खुलवाया, सारी सेकुलर पार्टी जितनी भी इंडिया गठबंधन की है उनको कमलनाथ का ये बयान नागवार गुजरा, और सोशलिस्ट पार्टी ने तो बाकायदा ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास किया इनके खिलाफ। एक ये शिवसेना कहती है यस डिमोलिश हमने किया है, वी आर प्राउड ऑफ इट। अखिलेश यादव और उनके पिताजी कहते हैं कि ये पाप था जिसने भी किया था। इतनी कॉन्ट्रडिक्शन हैं, कभी भी कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी होने के नाते बैठ करके आइडियोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उस पर एक राय बनानी चाहिए। मतभेद एनडीए में भी जातिगत जनगणना को लेकर के तीनों मंत्री अलग राय रखते हैं लेकिन वो बातचीत करते हैं, वो भी जातिगत जनगणना पे सीधे सीधे ना अमित शाह जी ने मना किया ना उन्होंने मना किया, वो भी कहते हैं हाँ देखेंगे करेंगे अभी इस टाइम नहीं आया वगैरह वगैरह। तो आइडियोलॉजिकली भी इतने डिफरेंसेस हैं, इतने डिफरेंसेस हैं। केजरीवाल जी हैं, इन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया जाए इस पर वोट दिए पार्लियामेंट में, बराबर में फारूक अब्दुल्ला बैठे हुए हैं जो कहते हैं मेरी जान जाएगी लेकिन आर्टिकल 370 नहीं जाने दूंगा। इतने कॉन्ट्राडिक्शंस में हम लोग काम कर रहे थे लेकिन अपोजिशन की एकता के लिए हम लोगों ने समय भी गुजारा। और हम क्या लेने आए थे बरखा जी, 16 MP के साथ एनडीए जैसी बड़ी पार्टी जिसकी इतनी बड़ी ताकत थी उसको छोड़ करके आए थे आपके साथ। अच्छा आपने कहा नीतीश जी की ह्यूमिलिएशन हुई, आपने विस्तार से बताया, पर आपको लगता नहीं कि इस दिस फोर्थ टाइम नीतीश जी हैज चेंज साइड्स, इससे उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी पर ठेस पहुंचा है? क्वेश्चन वन। क्वेश्चन टू, आपके बिहार के सहयोगी स्ट्रेटेजिस्ट नेता है प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि वो अपने आप को तो ले डूबेंगे, अब वो बीजेपी को भी ले डूबेंगे नीतीश जी के बारे में कहते हैं, दूसरा कहते हैं दोबारा भी साइड बदल सकते हैं। ये प्रशांत किशोर की टिप्पणी पे आप क्या कहेंगे, और जो पर्सनल रेप्यूटेशन एक नीतीश जी की होती थी, आप मानते नहीं कि ये कॉन्स्टेंट स्विचिंग ऑफ साइड्स, 9th time swearing in as चीफ मिनिस्टर, 4th time चेंजिंग साइड्स इन 10 years, इससे उनकी क्रेडिबिलिटी पर इंपैक्ट पहुंचा है? प्रशांत किशोर जी मित्र हैं, उन्होंने हमारे साथ काम किया है। नीतीश जी इतने उदारवादी हैं, उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया, वाइस प्रेसिडेंट, जबकि उनका राजनीतिक जीवन 1-2 साल का भी मुश्किल से नहीं था। उसके बाद उन्होंने कहा ये मेरे पिता तुल्य हैं। तो प्रशांत किशोर जी का जो सर्टिफिकेट है, माफ करना, वो नीतीश कुमार जी को नहीं चाहिए। वो अच्छा। सबके बारे में कमेंट कर चुके, नरेंद्र मोदी जी के साथ रहे, उन्होंने क्या क्या कमेंट किए हम लोगों के साथ वो भी हमें पता है। ममता दीदी के साथ रहे, क्या क्या कमेंट किए, वो नारे दे रहे थे नीतीश कुमार है बिहार में बाहर है, तो माफ करना उनके कमेंट पे मैं नहीं जाता। लेकिन जो आपने कहा है इतनी बार, 2000 में बड़ा गठबंधन होने के नाते नीतीश कुमार जी को इनवाइट किया गया था मुख्यमंत्री पद के लिए, उनके पास बहुमत नहीं था। 2004 में बहुमत हुआ तो याद करो आप, सरकार को डिजोल्व ही कर दिया असेंबली को, जो यहाँ पर बूटा सिंह जी थे 2005 में मुख्यमंत्री बने। 2005 से लेकर 2014 के बीच में तो कोई स्विच ओवर नहीं हुआ, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का दौर है। प्रधानमंत्री 1 साल में 2-2, 3-3 बार बदले गए। मैं उस पार्लियामेंट में रहा हूँ, वीपी सिंह के साथ आया था, चंद्रशेखर जी के साथ रहा, दो महीने बाद राजीव गांधी वो बन गए अपने नरसिंहा राव जी, 77 में मुरारजी भाई बने, 6 महीने बाद चरण सिंह जी बन गए, उसके बाद फिर कांग्रेस के बन गए। तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का युग है बिहार में। एक दूसरा मैं आपसे एक बड़ा प्रेम पूर्वक बात कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार चले जाते हैं आरजेडी के साथ तो बहुमत हो जाता है, नीतीश कुमार चले जाते हैं बीजेपी के साथ तो बहुमत हो जाता है। तो जो पॉलिटिकल यूटिलिटी है नीतीश कुमार जी, उसकी भी तारीफ कीजिए। उसने उसने बिहार में जिस तरह से जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है
जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो सोसाइटी हैं उनके लिए इतना कमाल कर दिया कि 18-20% वोट जहां वो जाता है एक, और वुमेन एम्पावरमेंट। नीतीश कुमार जब भी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं औरतों की संख्या वोट डालने वालों की बढ़ती है, जैसे मोदी जी के लिए बड़ी इस बार विधानसभा चुनाव। तो अब मुझे ये बताइए, ठीक है आपने पॉलिटिकल यूटिलिटी की बात की, अब बस आखिरी में पूछती हूँ, जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हैं बीजेपी के साथ कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे, जैसे CAA प्लस NRC या कोई और आपके जो मेन इश्यूज हैं, जो आप एक सोशलिस्ट बैकग्राउंड के हैं, ठीक है एंटी कांग्रेस है, हाउ विल यू हैंडल दोज गोइंग फॉरवर्ड? बहुत बातचीत चल रही है कि CAA और NRC CAA इज गोइंग टू बी ऑपरेशनलाइज्ड, ये बात चल रही है, आपने भी सुनी होगी, आप क्या कहेंगे इस पे? कोर्ट ने जब उसमें आदेश दिया था फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, जो सोनोवाल जी थे मुख्यमंत्री, जो आजकल केंद्र सरकार में मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा नहीं हम इसको आसाम में भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये जो वक्तव्य दिए गए हैं, इन वक्ताओं पे पार्टी की पहले से राय थी, और हम बात करेंगे बीजेपी के लीडरशिप की कि कैसे कैसे आप कर सकते हो इस पर। चाहते सारे चीफ मिनिस्टर से बात हो, स्टेक होल्डर से बात हो, ये इतना आसान इशू नहीं है जितना बयान दिया जाता है। कोई मिस्टर शांतनु ठाकुर जी, उन्होंने बयान दिया एक राम जन्मभूमि वाले पे। मैं जरूर इतना कहना चाहता हूँ, हम मुलायम सिंह जी के साथ थे, वीपी सिंह जी के साथ थे, और हमारी सरकार इस सवाल पर गई। हमारा मानना था कि झगड़े फसाद के बजाय सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार करो, उस पर हमारा बीजेपी से डिफरेंस था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया राम मंदिर के पक्ष में, एक नेता नहीं है सेकुलर जिसने इसका विरोध किया। अब जब प्राण प्रतिष्ठा की बात आई, आपको लग सकता है कि बीजेपी इसको पोलिटिसाइज कर रही है, लेकिन आपको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय निगेटिव बयान देने की क्या जरूरत थी? उससे कांग्रेस का कितना नुकसान हुआ है, कितना एडवांटेज बीजेपी हुआ है, ये इनको पता ही नहीं है। आर्टिकल 370 पर हमने वॉकआउट किया ही है। देखिए हम मर्जर नहीं करने जा रहे हैं, एक तो ये समझ लीजिए, JDU का मर्जर नहीं हो रहा है ऑन आइडियोलॉजिकल इश्यूज। वी आर स्टिल कमिटेड टू सेकुलरिज्म 1, सोशलिज्म 2 एंड अपोजिंग द कम्युनल डिस्टर्बेंसेज इन द कंट्री। फाइनल क्वेश्चन, लेकिन ये बताइए, ये बात ये भी चल रही है कि अभी लोकसभा के लिए बीजेपी के साथ आ गए हैं आपकी पार्टी, विधानसभा में दोबारा वापस गठबंधन में जा सकती है, वही चिराग पासवान जिसके बारे में आपने कहा था कि बीजेपी ने उसको खड़ा किया हमारे को खत्म करने के लिए, वो आज फिर अमित शाह जी से मिल रहे हैं, फ्यूचर में क्या नजर आता है त्यागी जी, फ्यूचर में क्या नजर आता है? रामविलास पासवान जी हमारे मित्र रहे हैं, उनके सुपुत्र चिराग पासवान खुद क्लेम कर चुके हैं कि हाँ मैंने JDU के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े करके JDU के उम्मीदवार हरवाए। आज जब ये बात चलती है, अगर चिराग पासवान ने उम्मीदवार ना खड़े किए होते, वो कहते हैं मुझे बीजेपी का आशीर्वाद था, मैं तो नहीं आरोप लगा रहा हूँ, वो खुद ही कहते हैं, तो हमारे 80+ MLA आज होते। हम गठबंधन में रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं, चाहे बीजेपी के साथ रहे हो या गैर बीजेपी के खिलाफ रहे हो। इस बारी बीजेपी के साथ कितनी देर रहने का इरादा है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थितियां बीजेपी का नेतृत्व और हमारा नेतृत्व पैदा करेंगे कि फिर अलग होना पड़े। हम चाहते हैं कि ये गठबंधन जो है चलता रहे, जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं उस पर बैठ करके भाजपा का नेतृत्व इन कॉन्ट्राडिक्शंस को रिजोल्व करता रहे। तो फिर तो आज से क्या, डॉक्टर लोहिया दीनदयाल उपाध्याय के टाइम से गठबंधन चल रहा है। अच्छा, आपने सारी पार्टीज का नाम लिया लेकिन RJD का नाम नहीं लिया, यू ब्लेम एसेंशियली कांग्रेस नॉट द RJD फॉर द एग्जिट, इज दैट करेक्ट? मैं बरखा जी इस मामले में थोड़ा संकोच बरतता हूँ, लालू जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और तेजस्वी का व्यवहार कोई बहुत खराब नहीं रहा, लेकिन वहां पर हमारी स्थानीय पार्टी अनकंफर्टेबल फील करती है जो RJD के नेताओं की। अब वो चंद्रशेखर सिंह को ले लीजिए आप, क्या क्या बयान दिए उन्होंने, राम को वो मानने को तैयार नहीं है, हिंदू को वो दिन भर गाली बकते हैं शिक्षा मंत्री होते हुए, तो इन सवालों पर भी काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। चंद्रशेखर सिंह के पुराने बयान में आपको दिखाऊंगा, आप भी अनकंफर्टेबल हो जाएंगे।
वो राम को गाली दे रहे हैं, वो सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। अरे भाई हिंदुस्तान में रह रहे हो कि कहीं किसी दूसरे मुल्क में हो? तो ये दिक्कतें हमारी लोकल लीडरशिप को थी, लेकिन हम तो इंडिया गठबंधन में थे, हम आरजेडी गठबंधन में नहीं थे जी। चलिए, दैट सेज एवरीथिंग। यू ब्लेम द कांग्रेस मोर देन एनी अदर पार्टी आई थिंक फॉर द सिचुएशन टुडे दैट हैज लेड यू आउट ऑफ द इंडिया ब्लॉक, करेक्ट? एंड वर्खा जी, लास्ट, इफ दिस कांग्रेस विद दिस लीडर जी हैज द फ्यूचर इन इंडियन पॉलिटिक्स, देन इंडिया हैज नो फ्यूचर लेफ्ट। नहीं, ये दोबारा बोले, इफ दिस कांग्रेस विद दिस लीडर्स लाइक रमेश जी, if they have the future in India, then India government, then the India has no future left. तो ये तो हुआ आपका quote of the day, इसको मैं दोबारा पढ़ के बताना चाहती हूँ। If this Congress with these leaders in the future, then India has no future. ये केसी त्यागी आपका लाइन बहुत जगह कोट होगा, एंड वी विल सी हाउ जयराम रमेश आल्सो रिस्पोंड्स टू इट। धन्यवाद, थैंक यू। यार गुड फ्रेंड, वी वर टुगेदर इन राज्यसभा आल्सो। यही तो इंडियन पॉलिटिक्स की एक तरह से स्पेशियलिटी है, और होनी भी चाहिए कि रेटोरिकल झगड़े चलते रहे लेकिन कुछ वैसे भी रिश्ते बने रहे। थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू सर, थैंक यू। Mojo Story has always made a commitment to its viewers to go to where the story is. And as you can see here, we are at the epicenter of the Israel war on Gaza. We are right at the front line, about 1 mile from the Gaza Strip, as the Israeli military gets ready with its tanks and its gunners to begin its final frontal assault that will take troops into Gaza. As we said, we are not like other organizations. We believe in giving you all sides of the story objectively and as much as possible from the ground. And that's exactly what we're doing here, covering the biggest global story today from the epicenter of the war zone. So please, we need your support. Support us, become a Mojo member, subscribe to us, spread the word, and thank you for your support.